नमस्कार, मानस मिश्रा वाले इनोवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजमाता सोनिया गांधी को कोई आंच ना आए, इसके लिए कांग्रेसियों ने सत्याग्रह के नाम पर पूरे देश में बवंडर मचाया। सोनिया गांधी ने सवालों का जवाब तो नहीं दिया, सोनिया गांधी ने सब कुछ मोतीलाल वोरा पे टाल दिया और सब कुछ ईडी के सामने जो बात सवाल पूछना चाहिए ईडी, उस सवालों का जवाब सोनिया गांधी ने नानूपुर में करते हुए सीधे तौर पर मोतीलाल वोरा पे डाल दिया। दिखाते हैं आपको वीडियो कि कैसे कांग्रेसी ईडी के दफ्तर में जाकर के वहां कालिख पोतने का प्रयास किया था ईडी के दफ्तर में। उसके बाद पुलिस आती है अपने रंग में और इन सत्याग्रहियों का तथाकथित सत्याग्रहियों का बाल खींचकर घसीटकर जो ठोकाई करती है उसके एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं। और यहां पर यह भी है कि राजमाता सोनिया गांधी ने जब उनसे ईडी सवाल पूछ रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर सारा का सारा जो कच्चा चिट्ठा था वो किस पर डाल दिया, मोतीलाल वोरा पे डाल दिया। अब आप कहेंगे कि मोतीलाल वोरा पे डाल दिया, मोतीलाल वोरा नहीं है हमारे बीच, वो दिवंगत और उनके ऊपर ये डालकर बचना चाह रही थी। चलिए दिखाते हैं पूरे वीडियो, दिखाते हैं आखिरकार कैसे सत्याग्रह के नाम पर नंगा नाच पूरे देश में मचाया गया है और एक सोनिया गांधी को पूछताछ क्या हो गई ऐसे जितने बड़े घोटाले, फर्जी घोटाले, चोरी के मामले एक तरह से कहें, क्योंकि देश के जनता पब्लिक का पैसा अगर कोई लूटता है तो उसे चोरी ही कहा जाएगा। और अभी ये चोरी साबित नहीं हुई है क्योंकि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उसमें अगर कोई सवाल पूछा जाता है और कोई जवाब नहीं देता है तो साहब उसको तो चोरी ही कहा जाएगा ना। दिखाते हैं आपको वीडियो, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मिलनी चाहिए। इससे पहले मैं राजमाता सोनिया गांधी की तरफ चलूं, लेकिन राजमाता के राग दरबारियों की तरफ पहले चलते हैं और राग दरबारी क्या कुछ कर रहे हैं पहले उस वीडियो का एक पार्ट दिखाते हैं, उसके बाद शुरुआत में दिखाते हैं कि कैसे ये जो आपके सामने विजुअल दिखाने जा रहा हूं ये एक पार्ट है, उसके अगला पार्ट भी दिखाऊंगा। पहले देखिए पार्ट। ये जो व्यक्ति है ये राजमाता के लिए सत्याग्रह कर रहा था। सत्याग्रह क्या होता है? ये सत्याग्रह है पुलिस प्रशासन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एक चोरी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है एक चोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय एक किसी व्यक्ति से पूछताछ करने की प्रयास कर रही है और पूछताछ के लिए बाकायदा उसको नोटिस भेजती है, लेकिन उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो सबसे बड़ी एजेंसी है जो जांच की उसको लेकर के ये कांग्रेसी सत्याग्रह के नाम पर उसके अब दफ्तर में घुस करके वहां पर बवंडर मचाने का प्रयास करते हैं, ईडी दफ्तर को रंग कालिख से पोतने का प्रयास करते हैं। उसके बाद तो पुलिस तो रंग दिखाना ही था, उसके बाद कहेंगे ये सत्याग्रही जो कहेंगे तथाकथित सत्याग्रही कह रहे हैं कि ये देश में क्या कुछ चल रहा है, मोदी राजा है और बाकी सब प्रजा है। आपको बता दें हम नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रही थी और सोनिया गांधी से सवाल कर रही थी, सोनिया गांधी से पूछा जा रहा था कि आपने ये कैसे किया, आपने वो कैसे किया, आपने ऐसे कैसे किया, आपने वैसे कैसे किया, आपने पैसा कैसे बनी, आप डायरेक्टर कैसे बनी, आपको ये सारे सवाल थे। और इन सवालों के जवाब कितने सवाल थे और इन सारे के सवालों के जवाब क्या आ रहे थे मैं नहीं जानती, मोतीलाल वोरा जानते थे, मैं नहीं जानती हूं मोतीलाल वोरा जानते हैं, मैं नहीं जानती हूं मोतीलाल वोरा जानते हैं, मैं नहीं जानती हूं मोतीलाल वोरा जानते हैं। मतलब जितने भी सवाल पूछ लो सोनिया मैडम का एक ही जवाब था कि मैं नहीं जानती मोतीलाल वोरा जानते थे। अब मोतीलाल वोरा जानते थे, मोतीलाल वोरा हमारे बीच नहीं है। और तीन दिन की पूछताछ में सवाल बहुत सारे थे लेकिन उन सबका जवाब सिर्फ एक ही था, मैं नहीं जानती मोतीलाल वोरा जानते हैं। अब मोतीलाल वोरा को फिर से ये पूरा का पूरा मामला उसी तरह से हो गया है जैसे राम मंदिर में भगवान राम के जन्म होने का सबूत मांगा जा रहा था कि भगवान राम पैदा हुए
तो आखिरकार उनके जन्म का उस कमरे का, कमरा नंबर 3 या कमरा नंबर 5 या कमरा नंबर 25 में कहां पैदा हुए, उसका सबूत लाइए, चश्मदीद लाइए जो उन लोगों ने देखा था। ऐसे सवाल जो राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने फंसा कर रखा, वही अब यहां पर भी हो रहा है, क्योंकि ईडी के सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है, मोतीलाल वोरा जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ हुआ इन सबके बीच में। 3 दिन की पूछताछ थी, ईडी ने जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब पूछताछ में दौरान वहां पर उनको दिए, और उनके जवाब जैसे कि राहुल गांधी पहले भी जा चुके थे, जांच एजेंसियों ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड के नाम पर, इंजीनियर लिमिटेड के नाम पर वित्तीय लेन देन के बारे में जब पूछा, इसके बारे में राहुल गांधी की तरह ईडी के अधिकारियों ने बताया कि वित्त संबंधी सभी मामलों के लिए वोरा संभालता करते थे, और मोतीलाल वोरा का 2020 में निधन हो गया था, वो कांग्रेस में लंबे समय से तक सेवा देने वाले कोषाध्यक्ष बने रहे। ईडी अधिकारियों ने जब राहुल गांधी से भी वित्तीय बारे में पूछा था तो उन्होंने भी कहा था अधिकारियों से कि सभी लेनदेन मोतीलाल वोरा जानते हैं। राहुल और सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमार बंसल, यहां पर पवन कुमार बंसल भी ईडी को यही जवाब दिया था। मतलब जो पूरा का पूरा खेल है वो राम मंदिर की तरह अब सबूत पैदा पेश करना पड़ेगा कि भगवान राम का जन्म ही हुआ था, उसी तरह से इस केस में भी हो रहा है कि मोतीलाल वोरा को वापस लाना पड़ेगा। अगर इस केस को निकालना है, खंगालना है, मोतीलाल वोरा के नाम पर ठीकरा फोड़ दिया गया है, और मोतीलाल वोरा कब आएंगे, कहां आएंगे, कैसे आएंगे, इसको अब फिर से कहीं ना कहीं कोर्ट में लेकर हाजिर करना पड़ेगा। ईडी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोतीलाल वोरा को लाए तो लाए कैसे, क्योंकि अब तो सारा सवाल और सारा जवाब कहां है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों को लेकर के, जहां पर अब मामला पूरी तरह से जांच एजेंसियों के सर बनना चुका है, क्योंकि जांच एजेंसियों का जब सवाल पूछा जाता था तो जांच एजेंसियों को जवाब सिर्फ एक ही मिलता था कि साहब डैश डैश डैश, मतलब एक ही व्यक्ति, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जांच एजेंसियों ने राहुल गांधी से जून में भी पूछताछ की थी, और राहुल गांधी ने ईडी को तब भी बताया था कि यंग इंडिया लिमिटेड के गैर लाभकारी कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम के विशेष प्रावधान के तहत शुरू किया गया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता ने कहा था कि इसमें से एक पैसा भी नहीं निकाला गया है। सोनिया गांधी ने ईडी से 2 दिन तक पूछताछ हुई, उनसे करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। जांच एजेंसियों ने राहुल गांधी से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जब सवाल किया था उस समय, तो उन्होंने ये भी पूछा गया था उनसे कि क्या कंपनी के माध्यम से कोई मौद्रिक लाभ हुआ है। तो ईडी ने राहुल से 5 दिनों के करीब 50 घंटे की पूछताछ की थी, और ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आर्थिक अनियमितताओं का आरोप पर सवाल किए थे। इसका प्रचार प्रसार कांग्रेस द्वारा किया गया था। नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक कभी किस कंपनी के पास था, समाचार पत्र का एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इन सभी सवालों का एक जवाब कमेंट बॉक्स में आप भी लिख दीजिए, इन सभी सवालों का एक जवाब मोतीलाल वोरा, और इन सभी पूरे के पूरे घटनाक्रम का जो सड़कों पर नंगा नाच हो रहा है उसका एक ही नाम सत्याग्रह, और सत्याग्रह के नाम पर गांधी जी के सत्याग्रह को बदनाम किया जा रहा है, और एक व्यक्ति जो कि आज अभियुक्त है और उससे पूछा जा रहा है सवाल कि आखिर आपने ये चोरी वाले पैसे कहां रखे, तो वो बता रहा है कि वो चोरी वाले पैसे कहां गए वो मोतीलाल वोरा जाने, और मोतीलाल वोरा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। सवाल पे सवाल जवाब नहीं मिला, और ईडी खनचक्कर बनी वहां पर अपने ऑफिस में घूमती रही, और कांग्रेसी सड़क पर नंगा नाच करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।